वेलकम टू सोशल। दोबारा को देखने के लिए मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था एज इट्स एन अनुराग कश्यप फिल्म। उनकी फिल्म्स में हमेशा कुछ यूनिक देखने को मिलता है और उनकी कितनी सारी फिल्म्स तो सिनेफाइल्स में कल्ट क्लासिक्स मानी जाती हैं। दोबारा उनके करियर का पहला रीमेक है, इट इज़ अ रीमेक ऑफ अ स्पैनिश फिल्म मिराज। वैसे उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में क्लियर किया था कि ये फिल्म का रीमेक नहीं है बल्कि ये स्क्रिप्ट का रीमेक है और उनके पास इस स्क्रिप्ट के राइट मिराज के बनने से पहले आ चुके थे। लोग ऑलरेडी अनुराग कश्यप को बहुत हेट करते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि उनकी फिल्म को बॉयकॉट करेंगे या रीमेक है कह के अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ये सब चीज़ें। पर एज अ सिनेफाइल अगर सोचा जाए तो मैं बड़ा क्यूरियस था कि अनुराग कश्यप जैसा डायरेक्टर एक फिल्म का रीमेक कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ तो होगा। माय नेम इज़ वी एंड दिस इज़ माय रिव्यू ऑफ दोबारा। ये एक सिनेमैटिक रिव्यू है और इसमें सिर्फ सिनेमा के रिलेटेड फिल्म को एनालाइज किया जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये फिल्म सिनेफाइल्स को ज़्यादा सूट करती है रादर देन मास ऑडियंस। सो एनीवे, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। मतलब मैंने पास में जाके पास बदल दिया, इसकी वजह से प्रेजेंट बदल गया। मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1, टाइम लूप नैरेटिव। ये फिल्म एक टाइम लूप थ्रिलर है और टाइम लूप स्टोरीलाइंस बनाना इंडियन सिनेमा में आज भी एक रेयर बात है। दोबारा का जो टाइम लूप नैरेटिव है वो इजीली समझ भी आता है बट एट द सेम टाइम वो इंटेलिजेंट भी है। जस्ट इमेजिन दिस कि हमें स्टोरी में एक पुराना टीवी मिलता है जो एक स्पेसिफिक टाइम यानी कि 2:12 पर उसमें कुछ ऐसा होता है जिससे पास में जाने का टाइम लूप क्रिएट होता है। दिस इज एन अमेजिंग प्लॉट इन इटसेल्फ। इससे पहले रिसेंटली लूप लपेटा और मनाडू जैसी अच्छी टाइम लूप थ्रिलर्स आ चुकी हैं पर मुझे दोबारा की एग्जीक्यूशन बहुत बेटर लगी। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको शायद अभी कोई नहीं देखेगा ना ज़्यादा डीप जाके समझेगा, पर मुझे लगता है कि फ्यूचर में इस फिल्म के बहुत रेफरेंसेस दिए जाएंगे वंस वी स्टार्ट मेकिंग मोर टाइम लूप मूवीज। मतलब मैंने पास में जाके पास बदल दिया, इसकी वजह से प्रेजेंट बदल गया। मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, द ट्विस्ट। इस फिल्म का जो टाइम लूप नैरेटिव है वो इतना थ्रिलिंग है कि आप भूल ही जाते हो कि इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आना है और जब वो ट्विस्ट आपके सामने आता है तो आप सोचते हो ओ यस, बिल्कुल यही तो होना चाहिए था, ये चीज़ पहले क्यों नहीं ध्यान में आई। मुझे एक्चुअली में वो थ्रिलर्स पसंद नहीं आती जिसके क्लाइमैक्स में कुछ भी हो जाता है और लिटरली ऑडियंस को वहाँ पे बेवकूफ बना के क्लाइमैक्स सेल कर दिया जाता है। दोबारा वो चीप थ्रिल्स वाले ट्रोप फॉलो नहीं करती है। इसका क्लाइमैक्स काफ़ी सेटिस्फाइंग है एंड इट कनेक्ट्स ऑल द रिमेनिंग डॉट्स ऑफ द मिस्ट्री। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, हॉलीवुड होमाज। सी बीइंग अ सिनेफाइल मैंने नोटिस किया कि इसमें बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ के रेफरेंसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैनली क्यूब्रिक की क्लासिक द शाइनिंग, द टर्मिनेटर एंड इवन यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन का भी मेंशन है एक सीन में। सो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिर्फ सिनेफाइल्स को ही समझ आएगा। जब भी आप फिल्म देखोगे तो आप ज़रूर नोटिस करना कि इस फिल्म में कितनी सारी हॉलीवुड फिल्म्स को होमाजेस दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 4, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सिनेमाटोग्राफी। बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म का काफ़ी अपबीट है और जिसको देख के मैं काफ़ी सरप्राइज भी हुआ था। फिल्म की पेस बहुत फास्ट है और बैकग्राउंड में आपको टेक्नो म्यूजिक सुनने को मिलता है जो फिल्म की टेंशन को बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। इसके अलावा मैं बात करूँ सिनेमाटोग्राफी की तो वो फिल्म में बिल्कुल ऑन पॉइंट रहती है। द कैमरा शॉट्स आर सो क्लीन और ज़्यादातर इस फिल्म में क्लोज शॉट्स या मिड शॉट्स लिए गए हैं। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से कैप्चर करती है और एज ऑडियंस आपको लगता है कि आप भी इन्हीं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा की सिनेमाटोग्राफी सिल्वेस्टर फोंसेका ने की है। ये वही सिनेमाटोग्राफर है जिन्होंने सेक्रेड गेम्स की सिनेमाटोग्राफी की थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीक पॉइंट और ये मेरे ओपिनियन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म होगा क्योंकि एक अनुराग कश्यप की फिल्म में आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो जो वीक पॉइंट है वो है द फिल्म नीडेड मोर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज। सी, ये अनुराग कश्यप की फिल्म है और उनकी सभी फिल्म्स में परफॉर्मेंसेज स्टैंड आउट करती हैं। लिटरली एक्टर्स के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस उनकी फिल्म से निकलती है और करियर्स तक रिवाइव हो जाते हैं एक्टर्स के। दिस इज वॉट वी हैव सीन इन गैंग्स ऑफ वासेपुर, देवडी, मुक्काबाज एंड सो मेनी अदर फिल्म्स। दोबारा में भी एक टैलेंटेड स्टार कास्ट है जो एक्टिंग भी कहीं ना कहीं सही कर रही है बट एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की इसमें कमी दिखती है। सी, अगर आप सोच के देखो तो सबको ये तो याद रहेगा कि दोबारा में एक टाइम लूप था, एक साइंस फिक्शन काइंड ऑफ नैरेटिव था, बट अगर उसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी तो फ्यूचर में लोग इस फिल्म को भूल जाएंगे और यही चीज़ अनुराग कश्यप की सभी फिल्म्स में देखने को मिलती थी। इवन इफ़ यू गो बैक टू नो स्मोकिंग, उसका नैरेटिव भी तब लोगों को समझ नहीं आया था पर जॉन अब्राहम की परफॉर्मेंस को आज तक अप्रिशिएट किया जाता है। पर वहीं इफ़ आई टॉक अबाउट दोबारा, इस फिल्म में एक भी परफॉर्मेंस स्टैंड आउट नहीं करती है। जाते जाते आई वुड लाइक टू से कि ये अनुराग कश्यप की स्ट्रॉन्गेस्ट फिल्म तो कहीं से भी नहीं है बट देन अगेन हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई ऐसा सिनेमा भी नहीं है इंडिया में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि फिल्म किस जॉनर की है और वो आपको किस तरह की एक स्टोरी दिखाने की कोशिश करती है।
सो बिफोर सेइंग कि बॉलीवुड में न्यू कॉन्सेप्ट स्टोरीज नहीं बनती, वी शुड एक्चुअली फोकस ऑन कि जब इस तरह की न्यू कॉन्सेप्ट की फिल्म्स आती हैं तो क्या हम उनके बारे में बात करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू। ऑल राइट, ये तो था मेरा रिव्यू दोबारा को लेके। आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। सो अगर आपने फिल्म देखी है तो डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कॉमेंट्स, फिल्म देख के। ओके, फिल्म बिना देखे या ट्विटर से कॉपी पेस्ट करके कमेंट मत करने लग जाना। एनीवे, इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे @vishalandcinema, जहाँ मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ यू लाइक माई रिव्यूज़, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल।